पौड़ी जिले के पाबो पैठानी क्षेत्र के ढाई जुली पट्टी के बड़ेत गांव में गुलदार ने 5 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। घटना देर रात 8 बजे की है, जहां बड़ेत गांव के लाल सिंह रावत के घर गौशाला के पास घात लगाकर बैठे गुलदार ने लाल सिंह के 5 वर्षीय बेटे पर हमला कर दिया। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने टॉर्च और मोबाइल की लाइट के जरिए बच्चे की जब खोजबीन की, जिसके बाद आर्यन का शव गांव के पास से बरामद किया गया। DFO पौड़ी मुकेश कुमार ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। वहीं ग्राम प्रधान ने घटना में दुख जाहिर करते हुए इसे वन विभाग और विद्युत विभाग की लापरवाही बताई है। वहीं प्रियंका रावत ने बताया है कि जहां इन दिनों लगातार गुलदार की दहशत देखने को मिल रही थी, तो वहीं वन विभाग रोकथाम के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा था। गांव में लाइट नहीं होने से अंधेरा पसरा हुआ था, जिसके कारण गुलदार देर रात बच्चे को घर से उठाकर ले गया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग जल्दी गुलदार को मारने के आदेश जारी करे, नहीं तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, कल एक 28 जुलाई को शाम को 7:30 बजे के करीब ये घटना हमारी जानकारी में आई थी कि वहाँ हुई है, और इसमें एक आर्यन रावत पुत्र श्री लाल सिंह रावत, जो ग्राम बड़ैत के रहने वाले थे, उनके बच्चे को ये बाघ उठा ले गया था। आर्यन रावत को माने 5 साल का था ये, और इसमें जैसे ही घटना हमारी जानकारी में आई थी, तुरंत टीम मौके पर भेज दी गई है। वहाँ स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है और पिंजरा लगाने की अग्रिम कार्रवाई भी वहाँ की जा रही है।